हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्यूब में। तो दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे इस चैनल टेक्निकल ट्यूब में 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। तो हमने एक स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो बनाई थी, वो वीडियो शॉर्ट्स की टर्म में थी, जिसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस शॉर्ट में हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे क्या मिला और लोगों को क्या क्या फ़ीचर 500 सब्सक्राइबर के बाद मिलते हैं, जिससे आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को देखा, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट करा, जिससे हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और 500 प्लस सब्सक्राइबर अब हो चुके हैं। और अब हम जानते हैं कि इस 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे क्या मिला है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले मैंने एक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको कौन सा फ़ीचर मिलेगा, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 500 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं और मुझे अभी तक क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो मैं अपना चैनल ओपन करूँगा और आपको बताऊँगा कि पहले कौन से फ़ीचर थे 500 सब्सक्राइबर से पहले और अब कौन सा फ़ीचर एडअप हुआ है उसमें। मैं यूट्यूब ऑन करता हूँ। अब मैं जैसे अपने चैनल टेक्निकल ट्यूब में जाता हूँ तो आप यहाँ के टॉप स्ट्रिप में देखते रहना कौन कौन से फ़ीचर आए हैं मेरे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। 500 सब्सक्राइबर एडअप होने के बाद मुझे यहाँ पे कम्युनिटी का फ़ीचर मिला है, जिसमें अभी तक मैंने कोई पोस्ट नहीं करा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर पोस्ट करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ अपने चैनल में, जो 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है। और इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कि 100 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या मिलता है, तो वो आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं। ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है वो कस्टम लिंक है जो आपको 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मिल जाता है। और इसको आपको इनेबल कैसे करना है, इसमें मैंने एक डेडिकेशन वीडियो बनाई जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 500 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको कस्टम लिंक भी मिल जाएगा और मेन आपको कम्युनिटी टैब भी मिल जाएगा। तो मैंने ये तो बता दिया कि 500 सब्सक्राइबर के बाद कम्युनिटी टैब मिलता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अपने चैनल में पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जो सबसे बीच में प्लस का ऑप्शन दिख रहा है उसमें आप क्लिक करेंगे। प्लस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 सब्सक्राइबर होने से पहले जब मैं अपने चैनल पर अपने वीडियो डालता था तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते थे, क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव। लेकिन अब यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर होने के बाद क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से अपने चैनल में पोस्ट डाल सकता हूँ। उसके लिए आप क्रिएट अ पोस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने चैनल के लिए पोस्ट टाइप कर सकते हैं और हैशटैग करके कोई भी चैनल को मेंशन कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर भी फुल डिटेल बनाऊँगा कि आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है और चैनल को कैसे मेंशन करना है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो हम इस वीडियो को अभी यहाँ ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।